Hi friends, today we are going to discuss about an organization which is the world's strongest organization with 16 members. It gives protection to the whole Europe. It gives protection to number of countries like Syria, like Afghanistan. And Mr. Trump expressed about this organization that it is redundant, there is no need. But the latest US president, who is going to take oath in January 2021, he thinks that this organization should be continued. Yes, my friends, we are going to discuss about the NATO. I'm your friend Gaurav Marwaha from Unique IS Tech Circle. नेक्स्ट आते हैं नेटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अलायंस. इट वॉज फाउंडेड इन 1949 वॉशिंगटन एंड बेसिकली इट्स मेंबर्स वेयर दोज हु वेयर अलोंग द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक महासागर के आसपास के जितने देश थे वो इसके मेंबर थे और अमेरिका का ग्रुप है बेसिकली ये. एंड इट्स हेडक्वार्टर इज एट बेल्जियम ब्रुसेल्स. और आपको पता ही है कि नाटो एंड वार्सा दे वर द टू ऑपोजिट ग्रुप्स. नाटो फाउंडेड इन 1949, इट इज नंबर वन एंड नो वन इज फ्रॉम नंबर टू टू नंबर टेन. इट्स ऑल नाटो, नाटो एंड नाटो. और जो दूसरा ग्रुप था वारसा, दैट वाज क्रिएटेड इन 1955 बट इट कुड जस्ट वर्क टिल 1991 बिकॉज रशिया वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू अराउंड 15 ब्लॉक्स एंड वारसा वाज आल्सो डिसमेंटल्ड. तो वारसा तो अब बचा नहीं है. 1991 में जब रूस टूटा 15 भागों में, रूस जो है उसकी शक्ति कम हुई, तो वारसा ख़त्म हो गया है. इस समय नाटो अनडिस्प्यूटेडली दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अलाइनमेंट इन द वर्ल्ड. एंड नाटो टेक्स पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज. तो आपको मेंस में भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि नाटो ने हाल ही में कौन से कहां कहां उसने अपने काम किए, तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए. हेडिंग डालेंगे रीसेंट works of NATO. In 2015 it had gone for training and assistance to Afghanistan. Since 2015 it is training and assisting the mission to Afghanistan. 2015 से ये अफगानिस्तान में प्रशिक्षण और सहायक मिशन चला रहा है. एंड देयर आर अराउंड 12,000 पर्सनल ऑफ नाटो और इसके लगभग 12,000 फौज इस समय अफगानिस्तान में. अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो वो सीधी सीधी ये है कि नाटो एक्चुअली हैड प्रीवियसली डिक्लेयर्ड दैट इट विल विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान. तो उसने वो विड्रॉ करके उसका मिशन का नाम चेंज कर दिया. और क्या नाम कर दिया? ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस. आप समझ गए? एक उसने एक वादा किया था कि हम अफगानिस्तान से फौज बुला लेंगे, तो वो मिशन बंद करके नए मिशन के नाम पे अभी फौजें वहीं रखी हैं. क्लियर? देन एक सेकेंड मिशन लिखी है 2012 ऑनवर्ड्स, ऑपरेशन एक्टिव फेंस. ऑपरेशन एक्टिव फेंस जो इसका मिशन है, ऑपरेशन एक्टिव फेंस, दिस इज एट टर्की. इट इज टू डिफेंड टर्की फ्रॉम द मिसाइल अटैक. I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes, that the video logs of Gaurav Marwaha sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity.
as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again, in my free time, I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful. इसका उद्देश्य तुर्की को मिसाइल अटैक से सुरक्षित करना है। थर्ड मिशन लिखिए। इन 2011 इट लॉन्च ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्शन। 2011 में इसने ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्शन किया था। इट वॉज टू प्रोटेक्ट लीबिया। एंड नाटो मैंडेटेड ए नो फ्लाइंग जोन, और नाटो ने लीबिया की सुरक्षा के लिए नो फ्लाइंग जोन बनाया था। No flying zone. Then from 2009 to 2016, it had launched Operation Ocean Shield. 2009 to 2016, Operation Ocean Shield. It was to safeguard Red Sea, Gulf of Aden. It was to safeguard Red Sea, Gulf of Aden from the pirates of Somalia. यह लाल सागर और अदन के खाड़ी को सोमालिया के समुद्री डकैतों से बचाने के लिए था। It was in Red Sea and Gulf of Aden. It was to save from the sea pirates of Somalia. Currently we are discussing the NATO. हमने देखा NATO कब create हुआ, किस तरह का group है, और चूंकि एक mains का एक angle होता है तो उस हिसाब से हमने एक नई चीज इसमें start की कि what are the missions of NATO. तो सबसे पहले हमने निशा start किया Since 2015, the NATO has launched a mission. उस मिशन का नाम है Resolute Support Mission. क्या नाम है? Resolute Support Mission. And this is for training and assistance in Afghanistan. And around 12,000 personnel of NATO is present in Afghanistan. और इसका मैंने आपको hidden meaning बताया था. और वो ये था कि after crushing the Taliban. NATO has promised to withdraw from Afghanistan. So it has kept its promise. Its promise was after the crushing the Taliban, NATO will move back from Afghanistan. So it kept its promise. It didn't promise ki next time we will not come. उसने तो ये वादा किया था कि हम अफगानिस्तान में तालिबानों को जब खत्म कर देंगे तो एक समय सीमा के अंदर वापस चले जाएंगे, तो वापस चला गया। वो वादा पूरा किया उसने, ये थोड़ी बोला था कि हम दोबारा नहीं आएंगे। तो इसने अब दोबारा वहाँ पे एक मिशन चालू किया और मिशन के नाम पे 12,000 फौजें हैं उसकी अभी अफगानिस्तान में। इज वेरी क्लियर। देन दूसरा मिशन फ्रॉम सेकेंड मिशन इज फ्रॉम 2012 टिल नाउ, दैट इज ऑपरेशन एक्टिव फेंस। दिस इज एट टर्की। It is to safeguard Turkey from the possible attacks of Islamic State. So anti-missile provide karata hai Turkey ko. Then there is a mission to safeguard Libya since between 2011, and NATO enforced no flying zone in Libya. There was another mission from 2009 to 16. That is Operation Ocean Shield. It was to safeguard the ocean, basically the Red Sea, the Gulf of Aden, from the pirates of Somalia. So this is how there are recent missions of NATO. And there is another agreement known as
Berlin Agreement, and under the Berlin Agreement, the NATO shields the European Union. Berlin plus समझौता क्या है? ये समझौता है जिसके अंतर्गत NATO यूरोप की रक्षा करता है, इसको शील्ड देता है, पूरा एंटी मिसाइल पूरा बनाया हुआ है, पूरा शील्ड किया है, यानी कोई भी मिसाइल अगर यूरोप की तरफ जाएगी तो इनकी जो एंटी मिसाइल है उसको बीच में ख़त्म कर देगा, तो ये यूरोप में शील्ड किया हुआ है एक्चुअली नाटो ने, या बर्लिन प्लस टू शील्ड एंड गार्ड द यूरोपियन यूनियन। So currently it's a huge group, 29 nations, and it was पूरे ग्रुप में जो strongest है आपको तो पता ही है कि United States only account the more than 40% of the total military expenditure, तो वो सबसे शक्तिशाली है। और after the downfall of Warsaw, the NATO has made the members which were previously the part of Warsaw. जब Warsaw का पतन हुआ तो बहुत सारे इसने Warsaw के सदस्य भी अपने गुट में शामिल कर लिए हैं। And NATO was basically against Russia, ये आपको लगातार पता है, लेकिन अब इसने रशिया के साथ भी agreements कर लिए हैं। One of that agreement is known as SOFA. SOFA is Straits of Force Agreement with Russia, जो नाटो का प्रतिद्वंदी था उसके साथ भी इसने एग्रीमेंट कर लिया है। तो एज पर द एग्रीमेंट बोथ विल हेल्प ईच अदर इन लॉजिस्टिक्स एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो नाटो ने वारसा के मेंबर्स को तो अपने मेंबर बना ही लिया, जो वारसा का जो मेन लीडर है रशिया, वो इसका मेंबर तो नहीं बना, लेकिन उससे भी इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, दैट इज सोफा, स्टेट्स ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट, जिसके तहत ये लोग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और लॉजिस्टिक हेल्प, मतलब ईंधन भरवाना हो या किसी इस तरह की लॉजिस्टिक्स मदद हो तो वो करते हैं। मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े, ऑल इंडिया 7th रैंक इन IAS 2009। गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। सो देयर इज अ नाटो काउंसिल, देयर इज अ नाटो पार्लियामेंट्री असेंबली, और नाटो समय-समय पे नाराज रहता है नॉर्थ कोरिया को, ये एक्सेस ऑफ ईवल कहता है या ड्रग नेशंस में मानता है नॉर्थ कोरिया, इराक, अब तो इराक में कुछ खास रहा नहीं, पहले ड्रग नेशंस मानता था उसको भी। एंड नाटो का जब भी नाटो के संदर्भ में स्मार्ट डिफेंस आए, तो मतलब स्मार्ट डिफेंस मीन्स इट्स ऑल रिमोट कंट्रोल डिफेंस, इट्स ऑल एंटी मिसाइल डिफेंस, जिसमें लोग हताहत ना हो, तो वो है एंड स्मार्ट डिफेंस। बाकी जो डिटेल मैंने बताई है वो नोट्स में इनके मिशंस के बारे में है, लीबिया वाली भी है और पायरेट्स की भी है, वो नोट्स में ऑलरेडी डिटेल है। और इन 2018 देयर वाज ए समिट ऑफ नाटो एट ब्रुसेल्स, ये 29th फॉर्मल मीटिंग थी, एंड मिस्टर ट्रंप हैज अगेन आर्गुइंग फॉर द रिलेवेंस ऑफ नाटो, बिकॉज एज पर द एग्रीमेंट ऑफ 28 नाटो नेशंस शुड ईच स्पेंड 2% ऑफ देयर जीडीपी इन डिफेंस। नाटो का समझौता कहता है कि जो 28 मेंबर हैं कि तो जितने मेंबर हैं वो अपने जीडीपी का 2% डिफेंस में खर्च करें, लेकिन ओनली 5 नेशंस आर स्पेंडिंग मोर देन 2%, एंड दोज आर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ग्रीस, एस्टोनिया एंड पोलैंड। बाकी कोई भी ये मान के खर्च नहीं करता कि चलो हम नाटो में हैं, अमेरिका हमको संभाल लेगा। सो एज ए रिजल्ट द यूएस हैज़ टू पे मोर,
तो दैट्स व्हाई वो बार बार बोलते हैं ट्रंप की व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नाटो। एंड जो कोलंबिया जो था कभी भी नाटो में नहीं था, या हम कह लें कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है वो नाटो में नहीं थे। तो अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है, द कोलंबिया हैज जॉइंड नाटो नॉट एज ए मेंबर बट एज ए ग्लोबल पार्टनर। तो कोलंबिया अब नाटो में शामिल हो गया है, सदस्य के तौर पे नहीं हुआ है, ग्लोबल पार्टनर के तौर पर ये शामिल हुआ है। तो दैट मीन्स कोलंबिया विल नॉट नेसेसरी हैव टू टेक पार्ट इन मिलिट्री एक्शंस। यानी नाटो जहां भी फौजें भेजेगा तो अब कोलंबिया मेंबर नहीं है कि जो उसको अपनी भी फौजें भिजवानी पड़े, बट इन जनरल ग्लोबल में पार्टनरशिप करेगा, कहीं लॉजिस्टिक वगैरह हल्की फुल्की मदद लगेगी तो करेगा, सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में वो बस वैसी मदद करेगा, फौज भेजना जरूरी नहीं है। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट कि जो नाटो है उसका एक ग्लोबल पार्टनर बना है और वो है कोलंबिया। सो दिस इज अबाउट नाटो। तो हमने देखा व्हाट इज नाटो, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, हाउ नाटो एंड वार्सा वाज कंफ्लिक्टिंग। फिर हमने रिसेंट 5 टॉप मिशंस देखे नाटो के पिछले 15 साल के। फिर नाटो की और भी स्ट्रक्चर होता है, नाटो काउंसिल, पार्लियामेंट्री असेंबली। नाटो बेसिकली स्मार्ट डिफेंस पे काम करता है कि पीपल शुड नॉट डाई, देर शुड बी ऑल रिमोट कंट्रोल थिंग्स, देर शुड बी एंटी मिसाइल सिस्टम्स। और लेटेस्ट समिट जो ब्रुसेल्स है वो हमने देखा, और कोलंबिया रिसेंटली एज ए ग्लोबल पार्टनर्स को ज्वाइन किया।